किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के त्यागी कृषि वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र खरगोन में पदस्थ हूँ। किसान भाइयों, आज मैं आपको कपास में एकीकृत कीट एवं रोग प्रबंधन तकनीक के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से कपास में हम कीट एवं रोगों का प्रबंधन कर सकते हैं। कपास भारत की प्रमुख रेशा और नकदी फसल है। यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों में पैदा की जाती है और किसान भाई इससे अच्छा मुनाफा लेते हैं। और जब से बीटी काटन आया है तब से किसान उत्पादन में भी वृद्धि हुई है और साथ में किसानों की आय में भी वृद्धि हुई है। किसान भाइयों, लेकिन जैसे जैसे कपास और विशेषकर बीटी कपास की खेती लगातार 15-20 वर्षों से की जाती है तो इसमें कई प्रकार के कीट एवं रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से जो कीट है इसमें जेसिड, हरा तेला, सफेद मक्खी, थ्रिप्स, तंबाकू की इल्ली, गुलाबी इल्ली, मिली बग, इस तरह से डेंडू छेदक इल्ली, इस तरह के ये प्रमुख कीट हैं जो फसल को, कपास की फसल को हानि पहुंचाते हैं। इसके साथ साथ रोगों में कपास का कोड़ी धब्बा, जीवाणु झुलसा रोग, बायरोथीसियम पत्ती धब्बा रोग, डेंडू सड़न, अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग, न्यू बिल्ट और जड़ गलन रूट रॉट और बिल्ट उकटा रोग, ये प्रमुख रोग हैं। तो किसान भाई, कपास में रस चूसने वाले कीट भी काफी अधिक प्रकोप हो रहा है और हाल ही में कपास में पिंक बॉल वर्म का प्रकोप 2-3 वर्षों में देखा गया और ये प्रकोप बढ़ता जा रहा है। साथ में रोगों का प्रकोप भी होता है और कभी कभी पोषक तत्वों की कमी से जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से संबंधित जो रोग है, रेटनिंग है और दूसरे भी रोग हैं वो भी देखे गए। तो किसान भाइयों, हमें जो कपास है उसमें एकीकृत कीट एवं रोग प्रबंधन प्रणाली को अपनाना होगा ताकि हम कम से कम खर्च में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके। सबसे पहले किसान भाइयों, हमें जो कपास है उसके लिए जो एकीकृत इसमें कीट एवं रोग प्रबंधन तकनीक है उसमें कम से कम 3 वर्ष में एक बार हमें गहरी जुताई करना चाहिए ताकि जो कीट हैं उनके लार्वा, उनके प्यूपा, उनके अंडे ऊपरी सतह पर जाएं और तेज धूप में नष्ट हो जाएं और जो परभक्षी परजीवी कीट हैं वो उनके अंडों को, प्यूपा को खा लें। साथ में जो फफूंद जनित रोग हैं उनके रोग जनक भी, क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रहता है, यदि हम अप्रैल में गहरी जुताई कर देते हैं तो अप्रैल और मई में तेज धूप के कारण जो फफूंद जनित रोग हैं उनके रोग जनक तेज धूप में नष्ट होते हैं। साथ में जो बीट्स हैं, खरपतवारों के बीज हैं, वो भी निचली सतह पे जमीन में चले जाते हैं तो उनका भी, खरपतवारों का भी जो प्रकोप है वो भी कम देखा गया है यदि आप गहरी जुताई करते हैं। दूसरी बात, किसी भी फसल में यदि संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का उपयोग किया जाए तो नेचुरली उसमें कीट एवं रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। अतः हमें संतुलित मात्रा में सोइल टेस्टिंग के आधार पर, मृदा परीक्षण के आधार पर हमें कीट एवं रोगों का प्रबंधन संतुलित मात्रा में यदि खाद एवं उर्वरकों का प्रबंधन करेंगे तो डेफिनेट हमें हमारी फसलों में कीट एवं रोगों का प्रकोप कम होगा। अब हमें किसान भाई, थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि कितना मात्रा खाद एवं उर्वरकों को उपयोग करना चाहिए जिसको हम संतुलित कहेंगे। तो वैसे तो मृदा परीक्षण के अनुसार खाद एवं उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए, लेकिन सामान्यतः जो खाद का डोज है 1 एकड़ में 100 कुंटल क्योंकि गोबर की खाद बीज की बुआई के 8 से 10 दिन पहले खेत में मिला दें। इसके अतिरिक्त रासायनिक खादों में 35 किलोग्राम DAP, 14 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास बीज की बुआई के पहले मिला दें। यदि मृदा में जिंक की कमी हो तो 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ बीज की बुआई के पहले मिला दें। यदि मैग्नीशियम की कमी है तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ मैग्नीशियम सल्फेट मिट्टी में मिला दें। यदि मृदा परीक्षण में बोरान की कमी आई है तो 4 किलोग्राम बोरेक्स
प्रति एकड़ आप मिट्टी में मिलाएंगे तो आपका ये संतुलित मात्रा में बेसल डोज जाएगा। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, जो नाइट्रोजन है उसकी पूर्ति आप यूरिया के रूप में कर सकते हैं। तो यूरिया 35 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की बुआई के 30 दिन बाद, 60 दिन बाद और 90 दिन बाद, और इसके बाद 20 किलोग्राम यूरिया बुआई के 120 दिन बाद थे। साथ में जो डीएपी और पोटास है वो बुआई के 60 दिन बाद 35 किलोग्राम डीएपी और 14 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ कालम विधि या रिंग विधि से थे। साथ में जो कृषि विज्ञान केंद्र पे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, यदि किसान भाई बेसल डोज डालते हैं तो उनको 33% अधिक उपज मिलती है। सामान्यतः जो किसान है कपास बोने के 30 से 45 दिन बाद खादा का उपयोग करते हैं, जिसके कारण जो बेसल डोज है वो नहीं दे पाते और उपज में कमी आती है। तो मैंने जो फर्टिलाइजर का डोज बताया है वो संतुलित मात्रा में देंगे और विशेषकर बेसल डोज देंगे तो आपके पौधों की वृद्धि और विकास अच्छा होगा, साथ में पौधों में रोग और कीटों से लड़ने की क्षमता होगी, तो साथ तो रोग और कीटों का प्रकोप कम होगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि 3 साल में एक बार ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें, एक बात। दूसरी बात, संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का उपयोग करें। इसके अलावा किसान भाइयों, कपास के बीज को बोने के पहले उसका बीज उपचार बहुत ही आवश्यक है। तो बीज उपचार के लिए जो फफूंद जनित जो रसायन है, जो रिकमेंडेशन है कपास के लिए, वो कार्बोक्सिल 37.5% प्लस थायरम 37.5% WS, इसके 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज से आप उपचारित करेंगे तो जो फफूंद जनित रोग है, जड़ सड़न है, उपटा रोग है, उससे आपकी फसल में रोकथाम मिलेगी। इसके बाद कपास में जो रसचूसक कीट लगते हैं, जेसिड है, एफिड है, थ्रिप्स है, व्हाइट फ्लाई है, इनके लिए भी बीज उपचार बहुत जरूरी है। इसके लिए किसान भाइयों, इमीडा क्लोपिड 70% WS 7 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप बीज उपचार करें, या थायोमेथोक्सम 30% FS इसके 10 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें, या थायोमेथोक्सम 70% WS इसके 3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करेंगे तो हमें जो रसचूसक जो कीट है, विशेषकर सफेद मक्खी, उससे हमें कुछ दिनों तक 15-20 दिनों तक हमें रोकथाम मिलेगी और हमारी फसल शुरुआत के दिनों में अच्छी वृद्धि करेगी। तो जो एकीकृत कीट है और रोग प्रबंधन प्रणाली है उसमें ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई, संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का उपयोग, तीसरा बीज उपचार, ये आप 3 काम कपास में अनिवार्य रूप से करेंगे तो आपके कपास में कीट एवं रोगों का प्रकोप कम होगा। और यदि हमारे कपास में कीट एवं रोगों का प्रकोप कम होता है तो बाद में हमें कीटनाशक और फफूंदनाशक जो दवाएं उनका छिड़काव कम करना पड़ेगा और हमारी लागत कम आएगी और हमें उपज अधिक मिलेगी। इसके बाद किसान भाइयों, कपास में यदि अपन बात करते हैं कि कीट एवं रोगों के प्रबंधन की, तो कपास में प्रमुख रूप से जो कीट है उसमें हरा तेला, इसको जेसिड बोलते हैं, इसके अलावा सफेद मक्खी, थ्रिप्स, मकड़ी, मिलीबग, इसके अलावा तंबाकू की इल्ली, धब्बेदार सूंडी, गुलाबी इल्ली का, डेंडू छेदक इल्ली का प्रकोप होता है। तो सबसे जो कपास में रचू, क्योंकि जब से बीटी आया है, पिंक बॉलवर्म, डेंडू छेदक, टोबेको कैटरपिलर, इनका प्रकोप कम पाया गया है, लेकिन हाल ही के 2-3 वर्षों में बढ़ा है। लेकिन जो रसचूसने वाले कीट हैं, विशेषकर थ्रिप्स, वो सफेद मक्खी, इनका प्रकोप बहुत बड़ा है और सफेद मक्खी का प्रकोप और थ्रिप्स का प्रकोप निमाड़ क्षेत्र में, विशेषकर खरगोन जिले में कपास की खेती 2 लाख हेक्टेयर से अधिक में कपास की खेती होती है, या कहें 5 लाख एकड़ से अधिक में निमाड़ में, विशेषकर खरगोन जिले में कपास होता है। और वैसे पूरे भारत में जिन राज्यों में कपास होता है वहां पर रसचूसक जो कीट मैंने बताए, जेसिड है, थ्रिप्स है, व्हाइट फ्लाई है, मकड़ी है और मिलीबग है, इसका प्रकोप होता है, वो किसान को मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत आती है। तो किसान भाइयों, हमें कीटनाशक दवा को छिड़काव करने के पहले हमें कपास में कीट एवं रोगों की पहचान करना होगा, क्योंकि कई बार किसान भाई कीट एवं रोगों की पहचान नहीं कर पाते। जैसे कभी मकड़ी का प्रकोप है तो किसान भाई मकड़ी नाशक का
छिड़काव ना करके कीटनाशक का छिड़काव करते हैं तो मकड़ी का नियंत्रण नहीं हो पाता। इसी तरह सफेद मक्खी का प्रकोप है तो सफेद मक्खी की दवा छिड़कें, थ्रिप्स का प्रकोप है थ्रिप्स की दवा छिड़कें। दूसरी बात यह है कि एक ही दवा का लगातार प्रयोग नहीं करें। यदि आप लगातार एक ही दवा का प्रयोग करते हैं तो कपास में कीट और रोगों के प्रति जो कीटनाशक है वो काम नहीं करते और कीटों और रोगों में रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता। विशेषकर कीटों में हमने देखा सफेद मक्खी में थ्रिप्स में रेजिस्टेंट डेवलप होता है यदि लगातार आप एक ही कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। दूसरा, किसान भाइयों एक और गलती होती है कि बगैर जानकारी के एक ही पंक्ति में एक या अधिक दवाओं का आपस में मिलाना। जो दवाएं आपस में मिल सकती हैं जिनका संयोजन अच्छा होता है कॉम्बिनेशन हो सकता है उन सभी कीटनाशकों या फफूंदनाशकों दवाओं का कंपनी स्तर पे ही उनको मिलाकर कंबाइंड प्रोडक्ट मिश्रित प्रोडक्ट बाजार में अवेलेबल है। यदि आपके खेत में एक साथ थ्रिप्स या मकड़ी या सफेद मक्खी या डेंडू छेदक इल्ली या पिंक बॉल बॉर्न यदि एक के साथ इन तीन या चार कीटों का प्रकोप होता है तो उस स्थिति में आप पूर्व मिश्रित प्री मिक्स्ड जो कीटनाशक हैं या फफूंदनाशक हैं उनको बाजार से लेकर आप उनका छिड़काव करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, ये ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे। आपके स्वयं की मर्जी से एक ही पंप में एक से अधिक कीटनाशकों का नाम मिला। इसके बाद कीटनाशकों का जो छिड़काव है उसमें ध्यान देने योग्य ये बात है कि कीटनाशकों का छिड़काव जितना डोज वैज्ञानिकों ने जितनी मात्रा अनुशंसित की है उतनी ही मात्रा का घोल बनाए और जितने लीटर पानी की अनुशंसा है उतने लीटर पानी का छिड़काव आप अवश्य करें। सामान्यतः कपास के लिए 200 लीटर पानी प्रति एकड़ आवश्यक होता है लेकिन किसान हमने किसान स्तर पर देखा कि एक एकड़ में 5 या 6 पंप मतलब 75 से 100 लीटर पानी एक एकड़ में किसान उपयोग करते हैं। यदि पानी की मात्रा प्रति एकड़ कम जाएगी तो कीट और रोगों का प्रकोप नियंत्रण में दिक्कत आएगी, उनका नियंत्रण हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो जो दवा की जो संतुलित मात्रा है दवा का जो डोज जब दवा की जो मात्रा प्रति एकड़ वैज्ञानिकों ने अनुशंसित की है उस मात्रा का उपयोग करें और जितने लीटर पानी का अनुशंसा है उतने लीटर पानी प्रति एकड़ आवश्यक रूप से उपयोग करें, पानी की मात्रा कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों कीट एवं रोगों के प्रकोप के शुरुआत में हमें जैविक कीटनाशकों का उपयोग करना है। जैविक दवाओं में किसान भाइयों हमारे पास नीम तेल है, नीम तेल का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बर्टिसिलियम लेकेनाई एक जैविक कीटनाशक है उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बेबेरिया बेसियाना ये भी जैविक कीटनाशक इसका उपयोग कर सकते हैं और बेसिलस थुरिंजेंसिस ये भी जैविक कीटनाशक है इसका उपयोग कर सकते हैं। फफूंदनाशक दवाओं में ट्राइकोडर्मा ब्रेडी हम इसका उपयोग भी कर सकते हैं। तो शुरुआत में इसके अलावा जो आपके घरेलू स्तर पर जो बना सकते हैं 5 पत्ती अर्क बना सकते हैं, 10 पानी अर्क बना सकते हैं। इसके अलावा गौमूत्र का भी छिड़काव कर सकते हैं। तो हमें शुरुआत में जैविक दवाओं का उपयोग करना है। यदि जैविक दवाओं के उपयोग के बावजूद भी कीटों का प्रकोप बढ़ता है या रोगों का प्रकोप बढ़ता है तो हम कीटनाशक एवं फफूंदनाशक दवाओं का उपयोग रोग और कीटों की पहचान करके और जो निर्धारित डोज है उसके अनुसार हम कर सकते हैं। अब मैंने जो आपको प्रमुख कीट कपास के बताए और जो प्रमुख रोग बताए हम एक एक करके उनकी पहचान के बारे में चर्चा करेंगे तो उनकी क्या पहचान है और उनके लिए कौन सी दवाएं वैज्ञानिकों के द्वारा अनुशंसित की गई हैं। हम आज किसान भाइयों को वही दवा के बारे में बताएंगे जिनकी अनुशंसा कपास अनुसंधान के नागपुर और भारत के जो विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके द्वारा और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च उसके द्वारा और CIB सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड के द्वारा जो रजिस्टर्ड कीटनाशक फफूंदनाशक जो दवाएं हैं हम उन्हीं के अनुशंसा जो की गई है वैज्ञानिकों द्वारा आज हम उनकी चर्चा करेंगे। अब जो आज हम जो दवाएं बता रहे हैं कपास में यदि आप उनका उपयोग करेंगे तो आपके प्रभावी ढंग से कीटों का एवं रोगों का नियंत्रण होगा, रोकथाम होगी और आपकी कपास में लागत कम आएगी और आपकी उपज में वृद्धि होगी। तो हम एक एक से
कीटों पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो कीट की चर्चा कर रहे हैं, हमारा तेला, जिसको हम जेसिड भी बोलते हैं। किसान भाई, इसकी पहचान ये है कि ये पंच भुजाकार हरे पीले रंग के अगले जोड़ी पंख पर एक काला धब्बा पाया जाता है। इसके शिशु और व्यस्क निम्फ और एडल्ट दोनों पत्तियों के निचले भाग से रस चूसते हैं, जिसके कारण पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और धीरे धीरे सूखने लग जाती है। किसान भाइयों, जेसिड के नियंत्रण के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, बीज की बुआई के पहले बीज को इमिडाक्लोपेट 70% WS 7 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें, या थायोमेथोक्जाम 30% FS 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें, या थायोमेथोक्जाम 70% WS 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करेंगे तो आपके जो फसल है उसमें जेसिड के प्रकोप में कमी आएगी। शुरुआत में जैसे मैंने बताया जैविक दवाओं का उपयोग करना है। शुरुआत में नीम तेल 300 ppm, 300 ppm मतलब इसमें एजर रिडक्टेंट की सांद्रता से तात्पर्य 300 ppm ले लें। इसके 1 से 2 लीटर मात्रा प्रति एकड़ 200 से 400 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। ये 1 से 2 लीटर, यदि कपास छोटा है तो 1 लीटर प्रति एकड़, कपास के पौधे बड़े हैं तो 2 लीटर प्रति एकड़। कपास के पौधे छोटे हैं तो 200 लीटर पानी प्रति एकड़ और कपास के पौधे बड़े हैं तो 400 लीटर प्रति एकड़ पानी लगेगा। तो शुरुआत में नीम तेल 300 ppm का छिड़काव करें। इसके बाद यदि नीम तेल के छिड़काव के बाद भी प्रकोप बढ़ता है तो किसान भाइयों, इसके लिए इमिडाक्लोपेट 17.8% SL, इसकी 40 से 50 ml मात्रा प्रति एकड़ 200 से 280 लीटर पानी में घोलकर यदि आप छिड़काव करेंगे तो शुरुआत में आपको जो जेसिड है, हरा तेला है, उस पर अच्छे नियंत्रण मिलेगा। इसके अतिरिक्त तो और कीटनाशक दवाएं किसान भाइयों, फ्लोनिकामिड, दवा का नाम याद रखें, फ्लोनिकामिड 50% WG, इसके 60 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो ये जेसिड पर बहुत अच्छा नियंत्रित करेगा। इसके अलावा एक और कीटनाशक है किसान भाइयों, डाइफेंथुरान 50% WP, इसकी 240 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो ये कीटनाशक भी जेसिड पे बहुत अच्छे नियंत्रण करेगा। तो मैंने ये तीन कीटनाशक दवा बताई है, इनको अदल बदल के आपको छिड़काव करना है। शुरुआत में नीम तेल 300 ppm, इसके बाद ये तीन कीटनाशक दवाओं का अदल बदल के छिड़काव करना। इसके अलावा किसान भाई, सफेद मक्खी व्हाइट फ्लाई, ये हल्के सफेद रंग की होती है और जो पत्तियों के निचले सतह से रस चूसती है, यदि आप पेड़ खिलाते हैं तो तेजी से ये उड़ती है। साथ में कहीं कहीं स्टेट में ये कपास में लीफ कर्ल वायरस रोग को फैलाने में वेक्टर वाहक का काम करती है। कई स्टेट में इसका कॉटन लीफ कर्ल वायरस डिसीज का प्रकोप देखा गया है। अभी हमारे निमाड़ में खरगोन जिले में इसका प्रकोप नहीं है, लेकिन कपास की जो सफेद मक्खी है ये रस चूसती है, जिसके कारण पौधों की वृद्धि रुकती है, साथ में लीफ कर्ल डिसीज को भी फैलाती है, भाग रोग है। इसके नियंत्रण के लिए शुरुआत में जो मैंने जेसिड के लिए जो कीटनाशक दवा बताई थी बीज उपचार के लिए, उनमें से किसी एक दवा से बीज उपचार आवश्यक रूप से करें। शुरुआत में नीम तेल 300 ppm, इसका छिड़काव करें। साथ में जो जैविक कीटनाशक मैंने पहले बताए थे उसमें पोटेशियम लेकेनाई 1.25% WP, इसकी 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो शुरुआत में जो पोटेशियम लेकेनाई है वो सफेद मक्खी पे अच्छा नियंत्रण करती है। यदि इसके बाद भी प्रकोप बढ़ता है तो किसान भाइयों, शुरुआत में इमिडाक्लोपेट 17.8% SL, इसकी 40 से 50 ml मात्रा प्रति एकड़ 200 से 280 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो शुरुआत में सफेद मक्खी पर नियंत्रण मिलेगा। यदि इसके बाद भी प्रकोप बढ़ता है तो एक दवा पाइरीप्रोक्सीफेन 10% EC, इसकी 400 ml मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो सफेद मक्खी का नियंत्रण मिलेगा। इसके अलावा एक और कीटनाशक है किसान भाइयों, फ्लोनिकामिड, इसके 50% WG 60 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो सफेद मक्खी पे ये कीटनाशक अच्छा नियंत्रण करता है। एक और कीटनाशक है सफेद मक्खी के लिए डाइफेंथुराम 50% WP 240 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो ये कीटनाशक भी सफेद मक्खी पे अच्छा नियंत्रण करता है। एक और कीटनाशक है किसान भाइयों,
थायोमेथोक्सम 25% WG इसकी 80 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करेंगे तो ये कीटनाशक भी सफेद मक्खी पे बहुत अच्छे नियंत्रण करेगा। तो मैंने ये चार कीटनाशक बताए, शुरुआत में नीम तेल 300 ppm, इसके बाद ये चार कीटनाशकों का अदल बदल के छिड़काव करेंगे आवश्यकता अनुसार 8 से 10 दिन के अंतराल पे, तो सफेद मक्खी पे बहुत अच्छा नियंत्रण मिलेगा। इसके बाद किसान भाइयों, माहू एफिड, ये अत्यंत छोटे मटवेले हरे रंग के कोमल कीट होते हैं जो पत्तियों की निचली सतह कोमल शाखाओं से रस चूसते हैं जिसके कारण पत्तियां पीली पड़ती हैं और ये हनीड्यू का स्त्रावित करते हैं जिससे ब्लैक फंगस सूटी मोल्ड भी डेवलप होता है, चिपचिपा पदार्थ स्त्रावित करते हैं। किसान भाइयों, इसके लिए जो मैंने बीज उपचार के लिए जो दवा बताई जेसेट के लिए, वो के वो दवाओं से बीज उपचार करना है किसी एक दवा से। इसके अलावा शुरुआत में नीम तेल 300 ppm 1 से 2 लीटर प्रति एकड़ 200 से 400 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना है। इसके बाद शुरुआत में इमिडाक्लोपाइड 17.8% SL 40 से 50 ml दवा प्रति एकड़ 200 से 280 लीटर पानी, या फ्लोनिकामेड 50% WG 60 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी, या डायफेंथुरान 50% WP 240 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो आपको माहू पे बहुत अच्छा नियंत्रण मिलेगा। इसके बाद एक और प्रमुख हानिकारक कीट आता है थ्रिप्स। थ्रिप्स छोटे छोटे कीट होते हैं जो धीरे धीरे पत्तियों की सतह पर चलते हैं और ये भी पत्तियों से रस चूसते हैं, उसको खुरच कर उसको खाते हैं, रस चूसते हैं। इसके नियंत्रण के लिए जो बीज उपचार की दवाएं मैंने बताई वो तो अनिवार्य रूप से करना है। शुरुआत में थ्रिप्स के प्रकोप की शुरुआत में इमिडाक्लोपाइड 17.8% SL 40 से 50 ml प्रति एकड़ 200 से 280 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके बाद फ्लोनिकामेड 50% WG 60 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके अलावा डायफेंथुरान 50% WP 240 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। और फिप्रोनिल, एक ये नया कीटनाशक है फिप्रोनिल, 5% SC 600 ml मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो थ्रिप्स पे बहुत अच्छा नियंत्रण मिलेगा। ये कीटनाशक जो मैंने चार बताए उनको अदल बदल के छिड़काव करना। इसके बाद कभी कभी किसान भाइयों मिली बग का प्रकोप देखा गया है। ये सफेद रंग का कीट होता है जो पत्तियों पे और शाखाओं पे, कोमल शाखाओं पे चिपका रहता है झुंड में और ये रस चूसता है। किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के लिए फसल चक्र अपना, एक ही खेत में लगातार कपास नहीं बोए, वो मेड़ों पे जो खरपतवार है जिसपे ये पनपता है उनको, मेड़ों को साफ सुथरी रखें। इसके अलावा फसल अवशेषों को जिसमें मिलीबग का प्रकोप हुआ है खेत से अलग करके उसको जला दें या जमीन में गाड़ दें। चारों तरफ बाजरा या ज्वार की दो कतार लगाएं। साथ में यदि प्रकोप ज्यादा देखा जाए तो इमिडाक्लोपाइड 17.8% SL 40 से 50 ml प्रति एकड़ 200 से 280 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करेंगे तो मिलीबग के प्रकोप पे आपको नियंत्रण मिलेगा। इसके अलावा किसान भाइयों, जो हमने बताया कि कपास में अभी हाल ही में कपास में पिंक बॉल बॉर, जिसको लाल सुंडी गुलाबी सुंडी बोलते हैं, उसका प्रकोप बढ़ा है। पहले जो बीटी कॉटन आया था वो बीटी कॉटन पिंक बॉल बॉर के लिए रेजिस्टेंट था, लेकिन लगातार किसानों के द्वारा जो रिफ्यूजी आया उसका प्रयोग नहीं किया गया, जबकि वैज्ञानिकों के द्वारा ये अनुशंसा की गई थी कि कपास के खेतों के चारों ओर 5 कतारें रिफ्यूजिया की जो नॉन बीटी होता है उसकी लगाएं, या 20% जो भी कम हो उसकी रिफ्यूजिया की या नॉन बीटी कॉटन होना चाहिए। तो देखने में ये आया है कि किसानों ने रिफ्यूजिया का प्रकोप नहीं किया, जिसके कारण अभी हाल ही के 2-3 वर्षों में पिंक बॉल बॉर्न का पुनः कपास में प्रकोप देखा गया है। तो किसान भाइयों, जब तक इसके लिए एडवांस जो बीटी नहीं आता तब तक के लिए हमें जो एकीकृत कीट एवं रोग प्रबंधन है उसको अपनाना होगा। इसके लिए किसी भी हालत में कपास के जो खेत है उसको जनवरी तक खत्म कर दें। जनवरी में आप खेत अनिवार्य रूप से खाली कर दें। नियमित रूप से ग्रीष्मकाल में गहरी जुताई करें ताकि इसके प्यूपा जो कपास के काठी में रहते हैं वो तेज धूप में नष्ट हो जाए। इसके अलावा यदि कपास के खेत में पिंक बॉल बॉर्न का प्रकोप हुआ है तो किसान भाई कपास की काठियों को, ठूंठों को, लकड़ियों को रोटावेटर चलाकर खेत में ना मिक्स करें।
कपास की काठियों को कपास को जड़ से उखाड़ कर वो खेत से अलग रखें और उनका किसी दूर दूसरे काम में उपयोग करें, और खेत के मेड़ों पर भी ढेर लगा के नहीं रखें, उन्हें कहीं और ले जाकर रखें और उसको रोटावेटर चलाकर कभी भी नहीं पीसें। इसके अलावा कपास के बीज के साथ जो नॉन बीटी कॉटन है उसकी 5 कतारें अनिवार्य रूप से लगाएं कपास के चारों ओर। इसके अलावा किसान भाइयों, कपास की बुआई के 45 दिन बाद फेरोमेन ट्रैप, 5 फेरोमेन ट्रैप प्रति हेक्टर, 2.5 एकड़ में 5 फेरोमेन ट्रैप आप अवश्य रूप से लगाएं यदि आपके यहाँ इसका प्रकोप होता है तो। इसके अलावा किसान भाइयों, फसल की बुआई के 60 दिन बाद 2 महीने बाद 5% नीम बीज जो अर्क होता है आप उसका छिड़काव करेंगे तो शुरुआत में आपको नियंत्रण मिलेगी। यदि आर्थिक क्षति स्तर से इसका प्रकोप बढ़ता है, यदि आप रेंडम पद्धति से कपास को चेक करते हैं और 20 फूलों का नमूना लें और 20 नमूनों में 2 या अधिक फूल मुरझाए हुए दिखे, या कपास के 20 डेंडू में 2 या 2 से अधिक में पिंक बॉलवर्म का प्रकोप दिखे, या फेरोमेन जो ट्रैप लगाएं उसमें 50 फुट के अंतर पर लगाएं और यदि उसमें 3 जो इसकी तितलियां एडल्ट रोजाना दिखें, यदि इसकी संख्या 8 हो तो आर्थिक क्षति स्तर से ऊपर माना जाता है। तो किसान भाई, जो CICR की जो रिकमेंडेशन है उसके लिए कपास में गुलाबी इल्ली के नियंत्रण के लिए प्रबंधन के लिए सितंबर महीने में कुनालफास 25% AF 700 से 1000 ml प्रति एकड़ 300 से 400 लीटर पानी छिड़काव करें, या थियोडिकार 75% WP 400 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी घोलकर छिड़काव करें। अक्टूबर महीने में किसान भाइयों, क्लोरोपाइरीफास 20% EC 500 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी, या थियोडिकार 75% WP 400 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी घोलकर छिड़काव करें, और नवंबर महीना में फेनबेल रेट 20% EC 150 से 200 ml प्रति एकड़ 280 से 300 लीटर पानी, या साइफर मेथ्रिन 25% EC 112 ml प्रति एकड़ 160 से 320 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो आपको ये पिंक बॉल बॉर्न पे अच्छा नियंत्रण मिलेगा। इसके अलावा इसके लिए और भी जो कीटनाशक है आप उनका भी छिड़काव कर सकते हैं। यदि प्रकोप ज्यादा बढ़ता है तो जो अमेरिकन सूंडी है, अमेरिकन बॉल बॉर्न, उसके लिए क्लोरोपेंट्रीपनोल 18.5% SC 60 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं अमेरिकन बॉल बॉर्न के लिए, या स्पेनोसेट 45% SC 90 ml प्रति एकड़ 280 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव इसके लिए कर सकते हैं। पिंक बॉल बॉर्न के लिए जैसे मैंने बताया जो CICR की रिकमेंडेशन है उसके अतिरिक्त CIB की जो रिकमेंडेशन है उसमें क्लोरोपेंट्रीपनोल अधिक प्रकोप की अवस्था में क्लोरोपेंट्रीपनोल 18.5% SC 60 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो पिंक बॉल बॉर्न पे आपको अच्छा नियंत्रण मिलेगा। इसके अलावा किसान भाइयों, ये प्रमुख कीट हुए जो कपास में लगते हैं। इसके अलावा जो प्रमुख रोग हैं हम उन पर चर्चा करते हैं। कपास में जो रोग आते हैं उसमें कपास का कोणीय धब्बा या जीवाणु झुलसा जो जेंथोमोनास के जो बैक्टीरिया है उसके कारण होता है। किसान भाइयों, इसके लिए आपको जैसे ही इसका प्रकोप दिखे इसके में पत्तियों पे जल सोखे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं और ऊपरी पत्तियों की तुलना में निचली पत्तियों पर स्पॉट अधिक प्रमुखता से बनते हैं। रोग के लक्षण घेंटों पर भी दिखाई देते हैं, घेंटों एवं सरपत्रों पर भी भूरे काले चित्ते दिखाई देते हैं। ये घेंटियां समय से पहले खुल जाती हैं, रोगग्रस्त घेंटों का रेशा खराब हो जाता है, इसका बीज भी सुखड़ जाता है और इसके रोग के कारण बहुत किसानों को नुकसान होता है। तो इसके लिए शुरुआत में किसान भाइयों जैसे ही इसका प्रकोप दिखे कॉपर ऑक्सी क्लोराइड 50% WP प्लस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन इन दोनों को 25 ग्राम कॉपर ऑक्सी क्लोराइड प्लस 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 10 लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव करेंगे तो कपास में जो जीवाणु पत्ती धब्बा रोग है या एंगुलर लीफ स्पॉट बोलते हैं उस पर बहुत अच्छे नियंत्रण मिलेगा। दवा का नाम याद रखें कॉपर ऑक्सी क्लोराइड 50% WP इसकी 25 ग्राम मात्रा 10 लीटर पानी, इसी में मिक्स करना स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो बैक्टीरियल बिल्ट पे बैक्टीरियल लीफ स्पॉट या एंगुलर लीफ स्पॉट पे आपको अच्छा नियंत्रण मिलेगा। इसके अलावा दूसरी फफूंद जनित बीमारी है
माइरोथीसियम पत्ती धब्बा रोग। इस रोग में 2 से 10 mm व्यास के पत्तों पर एक गहरे भूरे रंग के मार्जिन के साथ छोटे गोल हल्के भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। ये रोग बुआई के 55 दिनों के बाद हाई ह्यूमिडिटी पर ये रोग का प्रकोप अधिक देखा गया है। तो किसान भाइयों, शुरुआत में जैसे मैंने बताया, बीज उपचार आवश्यक रूप से करें। बीज उपचार के लिए कार्बोक्सिन 37.5% प्लस थायरम 37.5% WS इसके 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार होने के पहले अनिवार्य रूप से करें माइरोथीसियम पत्ती धब्बा रोग के लिए। और यदि रोग का प्रकोप खड़ी फसल में दिखाई दे तो इसके लिए पायराक्लोस्ट्रोबिन 20% WG इसकी 200 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में डालकर छिड़काव करें, या मेटीराम 55% प्लस पायराक्लोस्ट्रोबिन 5% WG 600 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो आपको जो माइरोथीसियम पत्ती धब्बा रोग है इस पर बहुत अच्छा नियंत्रण मिलेगा। इसके अलावा किसान भाई, डेंडू सरण बॉल रॉट का प्रकोप भी होता है। इस रोग में हल्के भूरे से काले धब्बे पूरे डेंडू को संक्रमित कर देते हैं। सड़न आंतरिक अंदर से या बाहर से हो सकती है। सड़े डेंडू खुलते नहीं है, वो समय से पहले पौधे से झड़ जाते हैं। इसके लिए किसान भाइयों, पायराक्लोस्ट्रोबिन 20% WG 200 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी, या मेटीराम 55% प्लस पायराक्लोस्ट्रोबिन 5% WG 600 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी, या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP प्लस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 25 ग्राम प्लस 2 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो आपको डेंडू जो सड़न है, बोल रॉट है, उस पर बहुत अच्छे नियंत्रण मिलेगा। इसके अलावा किसान भाई, अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग, ये भी फफूंद जनित रोग है। इस रोग में पत्तियों पर हल्के भूरे रंग के संकेंद्रित धब्बे बनते हैं और अंत में पत्तियां सूखकर झड़ने लगती हैं। वातावरण में नमी की अधिकता में ये रोग तेजी से उग्र रूप से फैलता है। इस रोग के प्रबंधन के लिए बुआई के पहले बीज को कार्बोक्सिन 37.5% प्लस थायरम 37.5% WS 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करें। यदि खड़ी फसल में रोग का प्रकोप दिखाई दे तो पायराक्लोस्ट्रोबिन 20% WG 200 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी, या प्रोपिकोनाजोल 25% EC 200 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी, या मेटीराम 55% प्लस पायराक्लोस्ट्रोबिन 5% WG 600 ग्राम प्रति एकड़ 300 लीटर पानी, या टेबुकोनाजोल 50% प्लस टाइफ्लोक्सिस्ट्रोबिन 25% WG इसकी 120 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी, या फ्लूसोथायरोरेट 167 ग्राम प्लस पायराक्लोस्ट्रोबिन 333 ग्राम ALC इसकी 120 ml मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो आपको अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग, अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट पे बहुत अच्छा नियंत्रण मिलेगा। जो मैंने 7 फफूंदनाशक दवा बताई है जिनको अदल बदल के छिड़काव करना है, एक ही फफूंदनाशक दवा का किसान भाइयों लगातार इस्तेमाल नहीं करें। इसके अलावा एक और नया रोग है न्यू बिल्ड। ये पौधों में उगटा जैसे लक्षण की तरह दिखाई देता है और पौधे तेज गति से सूखने लगते हैं और पौधा अचानक पूरा का पूरा मुरझाकर सूख जाता है। एक स्थान पर दो पौधे से एक पौधा सूखना शुरू करता है और एक स्वस्थ रहता है। इस रोग का मुख्य लक्षण है। इस रोग के कारण वातावरणीय तापमान में अचानक परिवर्तन, मृदा नमी का असंतुलन तथा पोषक तत्वों का असंतुलित मात्रा में उपयोग करना है। इसमें अचानक देखा गया है कि लगातार बारिश होने के बाद और लगातार तेज धूप पड़ती है, खेत में जल निकास की सुविधा अच्छी नहीं होती है और पोषक तत्वों का असंतुलन मात्रा में उपयोग हो तो न्यू बिल्ड का प्रकोप देखा गया है। जहां पर यदि न्यू बिल्ड के लक्षण दिखाई दे तो बरसात के तेजी से बरसात हो, उसके तुरंत बाद यदि खेत में पानी भरा हो तो नाली बनाकर खेत में जो अतिरिक्त पानी है उसको तुरंत निकाल दें। वैसे कपास की बुआई के पहले ही यदि खेत में जल भरा हो तो नाली जल निकास का उचित प्रबंध करें। और यदि आपके खेत में न्यू बिल्ड का प्रकोप दिख रहा है, ऐसी स्थिति दिख रही है, तो यूरिया 1.5% यानी 100 लीटर पानी में 1500 ग्राम यूरिया या 100 लीटर पानी में 1.5 किलो यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं, या 100 लीटर पानी में 1500 ग्राम यूरिया मिला के 150 से 200 ml घोल एक
पौधे की जड़ों में डालें, ड्रेंचिंग करें। कहने का तात्पर्य 100 लीटर पानी, उसमें 1.5 किलोग्राम यूरिया और उस यूरिया के घोल को एक पौधे को 150 से 200 ml पानी उसकी जड़ों में ड्रेंचिंग करेंगे तो न्यू बिल्ड पे आपको तुरंत लाभ होगा। इसके अलावा जड़ गलन रूट राट, इसमें किसान भाइयों कपास के इस रोग में ऊपर से नीचे की ओर पौधों का अचानक गिरना प्रभावित पौधों को आसानी से जमीन से बाहर निकाला जा सकता है। इस रोग में किसान भाइयों पौधे की जड़ें सड़ जाती और हम खेत में यदि पौधा उखाड़ के देखते हैं तो वो तुरंत बिल्कुल ढीला हो जाता है, जमीन से पकड़ छोड़ देता है, तुरंत उखड़ा जाता है और उसकी जड़ें सड़ जाती। इसके लिए किसान भाइयों 3 साल में एक बार ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें, फसल चक्र अपना यानी लगातार एक ही खेत में कपास नहीं बोएं, एक बार कपास, एक बार मिर्च, एक बार सोयाबीन, एक बार मक्का, इस तरह से फसल चक्र अपनाएं, अदल बदल के फसलों का उपयोग करें। बीज को बोने से पहले बीज उपचार अनिवार्य रूप से करें, इसके लिए कार्बोक्सिन 37.5% प्लस थायरम 37.5% WS 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करें। इसके बाद यदि इसका प्रकोप दिखाई दे तो बुआई के पूर्व 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम, 1 किलो ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम 20 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर बुआई के पहले 7 दिन पहले गोबर की खाद में मिला के रखते हैं और बुआई के पूर्व इस मिश्रण को यदि आप बेड पे लगा रहे हैं तो बेड पे, यदि खेत में लगा रहे हैं तो खेत में मिलाकर उसको मिट्टी मिला दें। ध्यान रखें 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम 20 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद में बीज कपास के बीज बुआई के 7 दिन पहले गोबर की खाद में मिला लें ताकि वो मल्टीप्लाई हो जाए और बीज बोने के पहले खेत में इसको छिड़क दें और मिट्टी में मिला दें तो इसके प्रकोप को कम किया जा सकता है। यदि खड़ी फसल में रोग का प्रकोप दिखाई दे तो कार्बेंडाजिम 50% WP 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर और जड़ जड़ों में कपास की जड़ों में ड्रेंचिंग करें शुरुआत में तो आपको इसकी रोकथाम मिल सकती है। इसके रोकथाम के लिए मैंने जो 5 उपाय बताए वो आपको अनिवार्य रूप से करना है, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई, फसल चक्र, बीज उपचार और ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम का उपयोग और कार्बेंडाजिम उपयोग। यदि आप ये 5 उपयोग करेंगे एकीकृत रोग नियंत्रण तो आपको जड़ सड़न से आपको रोकथाम मिलेगी और आपकी फसल में इस रोग पे आप नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन कोई सिंगल उपाय काम नहीं करेगा किसान भाइयों, 5 के 5 उपाय आपको अपनाना पड़ेगा। इसी तरह बिल्ट, इस रोग में पत्तियों का मुरझाना और झड़ना, सामान्य बंडल रंगबीन होता है, इस रोग का प्रकोप बुआई के 30 से 120 दिन बाद होता है, ये रोग भारी काली और क्षारीय मिट्टी में विशेषकर देखा गया है। कहने का तात्पर्य कि कपास बोने के 30 से 120 दिन बाद इसका प्रकोप देखा गया है, साथ में इसमें पत्तियां झड़ती भी हैं, पौधा पूरी तरह सूखता है और हम पौधा उगाते हैं और उसको 20 से 2 भागों में तने को काटते हैं तो अंदर जो ऊतक होते हैं वो प्रभावित दिखते हैं, उसमें डैमेज दिखाई देता है और ये रोग बहुत तेजी से फैलता है। तो किसान भाई इसके लिए भी जो रूट राट के लिए जो मैंने उपचार बताया वो इसी के बिल्ट के लिए भी काम करेंगे। नंबर 1 ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई, नंबर 2 फसल चक्र अपनाना, नंबर 3 कपास का बीज उपचार जो मैंने रूट राट के लिए बताया, नंबर 4 ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम का उपयोग, नंबर 5 कार्बेंडाजिम से ड्रेंचिंग। ये 5 उपाय रूट राट और बिल्ट आपको दोनों में काम करेंगे। तो इस तरह से किसान भाइयों मैंने कपास में कीट एवं रोगों के नियंत्रण के लिए एकीकृत कीट एवं रोगों प्रबंधन प्रणाली बताई जिसमें ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई, फसल चक्र का उपयोग, बीज उपचार, ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम का उपयोग और नीम तेल का उपयोग, साथ में कीट एवं रोगों की पहचान करके कीट एवं रोगों का नियंत्रण। यदि आप इस तरह से कपास में सुझाए गए अनुशंसित वैज्ञानिकों के द्वारा कीट एवं रोग प्रबंधन प्रणाली अपनाते हैं तो आपके कपास में कीट एवं रोग प्रबंधन बहुत अच्छे से होगा, कीटों का प्रकोप को आप नियंत्रित कर सकते हैं, रोगों की रोकथाम कर सकते हैं, आपकी लागत में कमी आएगी और आपको कपास से भरपूर उपज मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं एक एक करके आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। जैसे हरीश
मोगरे जी ने कपास में फ्यूजरियम बिल्ट के आने से कैसे रोके। तो मोगरे जी, अभी जो मैं बात कर रहा था कपास में फ्यूजरियम बिल्ट, ये फंगस होती है फ्यूजरियम, उसके द्वारा होता है, और इसके लिए मैंने उपाय आपको अभी बताया, वो के वही पांचों के पांचों उपाय आपको रूट रॉट और बिल्ट दोनों के लिए करना है, आपको इससे रोकथाम मिलेगी। कपास में ड्रिप में, हरीश जी ने फिर पूछा कपास में ड्रिप में कितना पानी चला। देखिए ड्रिप से कितना पानी चलाना है, ये मिट्टी की किस्म और पौधे की उम्र आयु पर निर्भर करता है। यदि कपास मिट्टी में अधिक जल धारण क्षमता है तो एक दिन छोड़कर ड्रिप चला सकते हैं, यदि रेतीली मिट्टी है जल धारण क्षमता कम है तो प्रतिदिन ड्रिप चला सकते हैं। यदि कपास का पौधा आपने बीज लगाया है तो 30 मिनट ड्रिप चलाने से काम चलता है, यदि पौधा 8-10 दिन उगा है तो 1 घंटे ड्रिप चला सकते हैं, यदि पौधा बड़ा है तो 4 घंटे 6 घंटे ड्रिप चला सकते हैं। ये देखना है ड्रिप चलाने से, सीधा सीधा थंब रूल है कि आपके जो कपास लगा है, सामान्यतः कपास लाइन से लाइन की दूरी 120 सेंटीमीटर यानी 4 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखते हैं, तो जो 4 फीट पर आपका कपास लगाया है तो कपास का जो जड़ क्षेत्र है वो पूरी तरह से भीग जाए, ये थंब रूल है, इसका उपयोग करेंगे तो आप कपास के जड़ क्षेत्र को अपने को भिगाना है, ना बहुत कम पानी देना है ना बहुत अधिक पानी देना है, संतुलित मात्रा में नमी को बनाए रखेंगे तो आपको उपज ज्यादा मिलेगी। फ्यूजरियम बिल्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैंने क्वेश्चनों के जवाब दिए, इसके अलावा किसान भाइयों और बताइए यदि आपके और प्रश्न है तो हम उसके जवाब देते हैं। अभी जो ऐप पे जो आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं उस पर मैंने चर्चा की, और यदि आपके कोई और प्रश्न है तो भी आप इसमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई किसान भाई के प्रश्न है? अनीता मैडम जुड़ी हैं क्या? तो सभी किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद, एग्रो स्टार को बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी, ये अवसर प्रदान किया ताकि मैं किसानों को समय रहते जो कपास में एकीकृत कीट एवं रोग प्रबंधन प्रणाली है उस पर बता सकूं, और जो कृषि वैज्ञानिकों ने, CICR के वैज्ञानिकों ने, ICR के वैज्ञानिकों ने जो रिकमेंडेशन दिए हैं वो आप तक पहुंचा सकूं। सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक और किसान भाई का प्रश्न आया है, फूलों को झड़ने से कैसे रोकें? तो किसान भाइयों, फूलों से झड़ने से रोकने के लिए मैं आपको इसके लिए मैं बताता हूँ कि फूलों से झड़ने से रोकने के लिए प्लानोफिक्स एक दवा आती है, उसकी 1 ml मात्रा 4.5 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करें। प्लानोफिक्स दवा का नाम रखें, याद रखें 1 ml 4.5 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करेंगे तो किसान भाइयों आपका जो फूल झड़ने की समस्या है उस पर नियंत्रण मिलेगा। दूसरी, संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का उपयोग करें। तीसरा, कपास में संतुलित मात्रा में नमी बनाए रखें, ना बहुत अधिक सिंचाई करें ना बहुत अधिक कम करें। ये 3 उपाय यदि आप करेंगे तो फूल झड़ने की समस्या आपको रोकथाम मिलेगी। कपास में दीमक की समस्या, सेतराम जी सारण जी ने पूछा कपास में दीमक किसान भाइयों कभी कभी इसका प्रकोप होता है, इसके लिए आप नीम की खली कपास की बुआई के पहले 2 क्विंटल प्रति एकड़ नीम की खली का उपयोग करें। साथ में यदि बाद में प्रकोप दिखता है तो क्लोरोपाइरीफास 20% EC 1 लीटर प्रति एकड़ 20 किलोग्राम रेत में मिला लें और कपास में यूरिया की तरह छिड़क के वो पानी दे दें तो ये दीमक का आपको नियंत्रण मिल जाएगा। 2 उपाय, नीम खली 2 क्विंटल प्रति एकड़ बुआई के पूर्व खेत में मिलाना है, बाद में प्रकोप दिखाई दे तो क्लोरोपाइरीफास 20% EC 1 लीटर प्रति एकड़ 20 किलोग्राम रेत में मिलाकर उसको पूरे खेत में 1 एकड़ में छिड़क कर उस सिंचाई कर दे, दीमक पे आपका नियंत्रण मिल जाएगा। ये आप कर सकते हैं दीमक के नियंत्रण के लिए।
राजपूत जी ने कमेंट किया, वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, बहुत बहुत धन्यवाद राजपूत जी आपका, आपको ये जानकारी अच्छी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद, अपन सेशन एंड करते हैं। आपने बहुत ध्यान से गंभीरता से इसको सुना, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस ऑनलाइन ट्रेनिंग से, ऑनलाइन जानकारी से आपको डेफिनेट फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।